जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टेशनरी के सामान को हमें कैसे परचेज करना है, कहाँ से कहाँ से और कैसे उस सामान को हमें सस्ते से खरीदना है। तो जितनी मेरे को नॉलेज थी, जिस तरह मैं अपने सामान को खरीदता हूँ, उस तरह से आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस बार आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल मेरा पढ़ लिया होगा कि बिजनेस में कम पैसे कैसे लगे, मतलब अच्छा बिजनेस कैसे करें, कम पैसों में अच्छा बिजनेस कैसे करें। तो उसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम सबसे बड़ी गलतियाँ करते ही हैं। तो ये जो गलती है ना, ये हमारे पैसे डुबोती है। तो हम कम पैसों में अच्छे बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगा। क्या अब तो मैं टाइटल थोड़ा चेंज कर दूँ, लेकिन दो माइंड में आया, मैंने आपको बता दिया, टाइटल यही रहेगा फिर भी। अब मेरा मोटिव यही रहता है हर बार कि मैं आपको दो पैसे बता दूँगा, आपके नुकसान हो से बता दूँ, मतलब आपका नुकसान ना हो किसी भी तरीके से, आपका एक रुपये भी खराब ना हो। तो मेरा हर बार ये रहता है कि मैं अपने भाई बहनों को जो भी हैं, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि हर बंदा अपनी पॉकेट के हिसाब से चलता है, हर बंदे में अपने दिक्कत है पैसों की, आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा जो माइंड ये चलता है कि बस आपके दो पैसे बच जाएँ, और मेरे को इसी में बहुत खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आज आपको बताऊँगा मैं ये कुछ पॉइंट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबा के और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो, भागना कहीं मत, स्किप मत करना वीडियो को, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती होती है ना हमारी, सबसे पहली गलती ये, तो मैंने कई दुकानदारों में भी देखी है। अभी मेरे थोड़ी जहाँ मेरी दुकान है उससे थोड़ी सी दूर, उसमें एक दुकान है जो पसीना आ रहा है, तो एक दुकान है जो अभी स्टेशनरी की लगभग 6 से 7 महीने पहले खुली थी और वो बंद भी हो गई। अब वो गलती क्या थी उसकी, उसने गलती क्या करी जो उसकी दुकान चली ही नहीं, लॉस अलग हुआ दुकान में। अब चलेगी नहीं तो लॉस ही होगा, नेचुरल सी बात है, लॉस क्यों हुआ, उसने गलती क्या करी उसकी दुकान पे। मैं अब जहाँ मैं रहता हूँ, समझ लो आस पास ही थी उसकी दुकान, तो मैंने क्या देखा कि उसने फिटिंग बहुत बढ़िया करा रखी थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 60 से 70 हज़ार उसने अपनी फिटिंग पे लगा दिया था, कम से कम मैं बता रहा हूँ 60 से 70 हज़ार। उसका काउंटर इतना बढ़िया गजब का बना होता, काउंटर बड़ा प्यारा था, काउंटर वैसा बनवाने लगो ना कम से कम 40 हज़ार का वो काउंटर बनता है। काउंटर की वैल्यू बता रहा हूँ कीमत में, क्योंकि मैंने भी जब काउंटर बनवाने गया था, वैसे काउंटर चूज किया था, तो मुझे भी उन्होंने बताया था भैया 45,000-40,000 के बीच में बनेगा, हर बंदे ने मेरे को रेट 40 से 45,000 किसने 42,000 बताया। और उसे फिटिंग बहुत बढ़िया तरीके से खाने के गजब करके, मतलब और आगे जो एल्यूमिनियम का जो दरवाजा होता है, जो ऑफिसों में हमारे गेट लगे होते हैं, वो लगवा रखा था। मतलब अब उसकी गलती क्या थी, सबसे पहली गलती कि उसने फिटिंग पे ही पैसा बहुत लगा दिया। मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये कम से कम बता रहा हूँ फिटिंग पे, 60-70 हज़ार का माल बहुत आ जाता है, तो 60-70 हज़ार तो फिटिंग पे लगा दिया, फिर दरवाजा भी लगवा दिया। अब उसकी दुकान पे अगर मैं सामान देखूँ तो मुश्किल से उसने गिफ्ट आइटम और स्टेशनरी का मिला के, मैं कह रहा आधे आधा दुकान तो उसकी खाली थी, अब कई खानों में एक एक आइटम लगा रखी थी, तो 30,000 का मुश्किल से सामान होगा हद, 20 से 30 हज़ार रुपये का शायद ही, 20 से 30 हज़ार का सामान होगा हद। और उसने उस सामान में भी क्या कर रखा था, गिफ्ट आइटम थोड़ी सी जो स्टेशनरी की, जैसे मैं आपको मेन आइटम बताता हूँ, वो मेन आइटम कुछ थी ही नहीं, पता नहीं कौन कौन थी, थोड़ी बहुत कॉपियाँ रखी थी और पता नहीं कौन कौन थी स्टेशनरी आइटम उसने घुसा रखे थे, चलती नहीं है जो कहते हैं ना बॉन्ड माल जो चलता ही नहीं है। और उसने साथ में नमकीन बिस्कुट रखे थे, नमकीन बिस्कुट रखना गलत नहीं है, बिकते हैं स्टेशनरी की दुकान पर नमकीन बिस्कुट बहुत बिकते हैं, लेकिन पहले भाई वो वैरायटी तो पूरी करो जो होनी चाहिए। तो उसकी दुकान पर सबसे पहली गलती तो ये थी, उसने पैसा अपना फिटिंग पर लगा दिया, बाद में माल के लिए पैसा नहीं बचा, तो दुकान चलेगी कहाँ से, जब शुरू में ही कस्टमर के लिए आपके पास सामान नहीं होगा, कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, सेल होगी तभी आप दूसरी वैरायटी लाओगे, सेल नहीं होगी तो आप वहीं के वहीं डम हो जाओगे। तो मेरा कहना ये है, जो उद्देश्य है मेरे कहने का, मतलब जो है, जो मीन्स है कि फिटिंग पे पैसा स्टार्टिंग में कम लाओ। ये जो मेरी दुकान की फिटिंग देख रहे हो ना, ये सेकेंड हैंड फिटिंग है जो मैंने उठाई थी, सेकेंड हैंड, मैं काउंटर पूछने गया था 45,000-40,000 का, तो कम काउंटर नहीं बन रहा था बढ़िया, मैंने ये फिटिंग टोटल काउंटर समेत मैंने 25,000 में उठाई थी, टोटल देखो पूरी फिटिंग पीछे तक के सारी है, ये 25,000 में उठाई थी। और कभी भी फिटिंग ना किसी कबाड़ी से ऐसे मत उठाओ, फिटिंग आपको ओलेक पे डालो, किसी दुकानदार, बहुत दुकानें बंद होती हैं, तो फिटिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी। हमेशा इसी का ध्यान रखना, पैसा जो है ना बहुत हल्के से लगा चला के चलो, बहुत हल्के से लगाओ, आप चाहे माल भर रहे हो चाहे आप फिटिंग लगा रहे हो, जो बहुत एक लिमिटेड हिसाब से चलो, बहुत हिसाब से थोड़ा सा पैसा, मैं बार बार कहता हूँ बचा के रखो, कि कस्टमर मांगे कोई आइटम तो आपके पास उसके पैसे होने चाहिए लाने के लिए, ये नहीं कि जो सेल हुई गल्ले में वो खर्च कर दी, मैं पूरा दिन गल्ले में तो पैसा नहीं खर्चता, मैंने एक रूटीन बना के चलता हूँ अपनी दुकान की। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये था। तो दोस्तों, दूसरा एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, जो ये भी दुकानदार करते ही करते हैं, ये तो बिल्कुल करना ही करना, उन्होंने कदम खा रखी करना ही करना है, या तो इसके अपोजिट जाएंगे
या ये काम वो करेंगे। अब वो काम क्या है मैं बताता हूँ, जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है ना, ये तो बिल्कुल इससे भी ज़्यादा मेन है, ये तो है ही है। पहले पसीना बोलो फिर बताता हूँ, जब पंखा बंद करके वीडियो बनती है तो बड़ा बुरा हाल हो जाता। अब वो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है, हम लोग दुकान खोलते, दुकान पे हमने माल भी सही साइड डाल रखा, सब कुछ सेटिंग से, सब कुछ सेटिंग आपने करी अच्छी तरीके से करी, हम क्या कर देते हैं, हम ओपनिंग करते हैं बहुत बड़े तरीके से, भाई टेंट लगवा दिया बाहर, बाहर अपने खाने की आइटम करवा दी, रिश्तेदारों को बुला दिया, दोस्तों को बुला दिया, आसपास में बुला दिया, और बहुत बढ़िया ओपनिंग कर दी आपने, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक दो तीन वेटर खड़े कर दिए, बहुत बढ़िया। मैंने कई दुकानों पर देखी है, कहीं दुकानों पर स्टेशनरी वालों पर भी देखी है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टेशनरी वाले पर भी देखी। अभी थोड़े दिन पहले मैं जा रहा था कहीं से, तो स्टेशनरी की एक दुकान खुली, तो उसने ओपनिंग बॉडी जबरदस्त कर रखी थी, मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार रुपये लगा दिए उसने ओपनिंग पे। अब ऐसे भी क्या ओपनिंग करी, ये बस सामान ही बाहर बहुत, उसने खाने पीने की वैरायटियाँ, मीठी चीज़ें और मिठाई के डब्बे तो हर कोई देता ही है, मीठी चीज़, बिस्कुट, नमकीन, ये तो थी थी, और खाने भी खाना भी था उसने, तो अच्छा खासा उसने ओपनिंग कर रखी थी। मैंने जब दुकान इससे पहले करी थी, जहाँ ये इससे पहले मेरी दुकान थी, वहाँ मैंने क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक, मिठी दो तीन आइटम, नमकीन, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, ये मंगाया था, और मैंने रिश्तेदार तो कोई नहीं, मैंने अपने आसपास के दुकानदार और अच्छे खासे बुलाए थे। एक तो मेरे को कोई जानता नहीं था वहाँ जिस एरिए में मैं गया, तो मुश्किल से 5 से 7 दुकानदार आए, जो लड्डू, एक तो वो माल बच गया जो मैंने मंगाया था, जो कोल्ड ड्रिंक है वो तो वापस हो जाती है, लेकिन आपने जो खाने की चीज़ें मंगाई वो तो आपकी वेस्ट गई। ऊपर से अब आप दुकानदार, आपने ओपनिंग करी, ठीक है, एक पॉइंट सुनना, आपने ओपनिंग करी, ओपनिंग पे आए लोग आते हैं, अब इधर आ रहा है कस्टमर, आप रिश्तेदारी संभालोगे, आप आने वालों को संभालोगे, आप कस्टमर अटेंड करोगे, आप नहीं कर सकते। इधर तक छोटे छोटे बच्चे आएंगे रिश्तेदारों के, ऐसी तैसी वो अलग फेरेंगे आपकी दुकान की। मैंने फिर ये जो दुकान करी है दूसरा था, मैंने क्या था, किसी को नहीं बुलाया, मैं खुद अपने फैमिली के साथ आया, जो मेरी फैमिली थी, अपने मंदिर के आके मैंने पाठ किया बैठ के, जो भी पाठ ऊपर वाले का नाम हमें अच्छा लगता है, जो भी हमें सही लगा तो वो हमने किया, क्योंकि ऊपर वाले के नाम के बगैर तो हमारी दुनिया चलती ही नहीं। वो किया पाठ, मैंने दो दो या आप मतलब मैं मैंने मैंने दो दो लड्डू के मैंने डिब्बे बनवाए थे, मैंने दुकानें देख ली थी आसपास कितनी है, और अपने वीटिंग कार्ड छपाए थे। मैं हर दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब ये स्टेशनरी की दुकान मैंने ओपन करी है और ये मेरा कार्ड है, कुछ भी लेना आप आइए, आपको बहुत ज़्यादा रेट पर सामान मिलेगा। हर दुकान पर मैं गया जो आसपास लगती थी, और सबसे बड़ा टॉपिक, एक तो कस्टमर अटेंड किए, जो कस्टमर अटेंड है उनका भी मुँह मिठा कराया, जो कस्टमर नए आए हैं उनका मुँह मिठा कराया, उनको भी खुशी हुई, चल भी दुकान खुली, और हमें जोर भी नहीं पड़ा, हमारा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ ज़्यादा ओपनिंग पे। हमने क्या करना है कि लड्डू के डिब्बे बनवाने हैं, एक वेटिंग कार्ड उसके ऊपर रखना है, हर लड्डू के डिब्बे के ऊपर सेलो टेप से चिपका दो, और आसपास की हर दुकान पे दे दो जहाँ भी आपको लगते, और अगर कॉलोनी है तो कॉलोनी में भी दे दो, वो और बेटर रहेगा, कॉलोनी में भी आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, हाँ उन्हें पता लग जाएगी ये दुकान। तो आपने ओपनिंग करनी है तो इसी तरीके से करनी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कस्टमर भी अटेंड कर सकोगे और दुकानदारों को, आसपास की कॉलोनी वालों को पता लग जाएगा। और तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज़रूरी है, हम जब दुकान लेते हैं किराए पे या अपनी भी हम दुकान ओपनिंग कर रहे हैं, ओपन करने चाहते हैं, तो हमें फिटिंग में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग विटिंग करवाते हैं, और जब फिटिंग हो जाती है सबसे लास्ट में जो काम करते हैं वो गलत करते हैं, उस काम को हमें सबसे पहले करना चाहिए, मतलब जो काम पहले करना है वो सबसे लास्ट में करते हैं, उसकी वजह से हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमारा काम चलने में दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में लोग कहते हैं जैसे भैया हमारा काम नहीं चल रहा, तो वो क्या चीज़ है जो ऐसी, वो चीज़ है हमारा फ्लैक्स बोर्ड। हम क्या करते हैं, फिटिंग तो करवा लेते हैं, एंड में फ्लैक्स बोर्ड लगवाते हैं सबसे एंड में, जो सबसे ज़रूरी आइटम है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरा मानना यह है कि, और मैंने भी यही किया था जब मेरी दुकान आई थी यहाँ पर, मैंने फिटिंग तो बाद में करवानी शुरू की, सबसे पहले पड़ा बोर्ड टांगते हैं दुकान का अपने नाम का। उसमें क्या होता है कि कस्टमर जो आता जाता बंदा है या जो आसपास के दुकानदार है, उन्हें पता लग जाएगा इस चीज़ की दुकान खुल रही है। और एक बात और नेचुरली सी बात है, आप दुकान के बाहर खड़े होकर ही फिटिंग करवाओगे, अपने सामने करवाता बंदा फिटिंग छोड़ के तो जाता नहीं, तो हर कोई आता जाता बंदा पूछेगा भैया आप दुकान खोल रहे हैं, जी मैं खोल रहा हूँ, किस चीज़ की खोल रहे हो, स्टेशनरी खोल रहा है, अच्छा ये आपके बोर्ड लगा हुआ आपकी दुकान है। उसमें क्या है, हमारी दुकान ना पहले से ही लोगों को पता लग जाती है ये दुकान, अच्छा भैया कब ओपन कर रहे हो, मैं इस तारीख को सर ओपन कर रहा हूँ, आप भी जरूर आइए, तो कोई नहीं, वो आएगा मुँह मीठा करेगा, दो सामान भी खरीद देगा। तो ये चीज़ हम करते हैं सबसे बाद में, फ्लैक बोर्ड वाली इसे करना है हमने सबसे पहले, जो सबसे मेन चीज़ होती है ये, और फ्लैक बोर्ड पे अच्छे पैसे लगाने चाहिए, फ्लैक बोर्ड भी ऐसा लगवाओ बनवा के जिसका रिंग फिट ना हो जल्दी से। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा फ्लैक बोर्ड लगवा लिया और बैठ गए, मेरे पास बाहर भी फ्लैक बोर्ड रखा है, बाहर बड़ा वाला, बिल्कुल दूर से पता लगता है कि हाँ यहाँ स्टेशनरी की दुकान है, सबको पता है लाल सा बोर्ड, और लाइट जो है ना जो फ्लैक बोर्ड का आप कलर रखो वो थोड़ा ऐसा रखो जो दूर से चमके, दिखे दूर से, अंधा कलर ना, कई लोग नीला नीला सा कर लेते हैं, बैकग्राउंड उसकी काली काली सी कर लेते हैं,
वो नहीं, आपको रेड रख दो या कोई और कलर कर लो, मैंने रेड रखवा रखे दूर से दिखता रेड कलर तो, और जो अक्षर है जो ऊपर के वो हाईलाइट कर रखो मेरे मोटे मोटे अपनी दुकान के नाम के, वो बहुत मेन चीज होती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही फ्लैक्स बोर्ड लगवानी है, लाइट वाला ना लगाओ, ऐसा नहीं है कि जरूरी मैं कह रहा हूँ लाइट वाला लगाओ, सिंपल लगाओ लाइट वाला तो आप बात की बात है बहुत कम चलते हैं, अगर आपका काम बहुत ही बढ़िया मजदूर है तो मैं कहूँ भगवान करे बैठते ही आपका भी काम चले, लेकिन आपको जो है फ्लैक्स बोर्ड जो है स्टार्टिंग में लगवाना है ऊपर, और एक साइड में रखने वाला वो जरूर रखना है, रखने वाला एरो का निशान आपकी दुकान की तरफ, ये सबसे मेन चीज होती है जो चलता हुआ आदमी नजर ऊपर नहीं पड़ती सामने जरूर पड़ती है, तो दुकान के साइड में हर एक के फ्लैक्स बोर्ड आपको हमेशा रोड पे पड़ा मिलेगा, तो वो फ्लैक्स बोर्ड भी कोशिश करें जरूर रखना है और एक ऊपर लगवाना है। तो अगला पॉइंट एक और है, हम दुकान खोलते हैं नाम ऐसे ही रख देते हैं, ये नाम वो नाम, नाम ना हमेशा यूनिक होना चाहिए, यूनिक सोच के। अब मैं दो तीन नाम बता दूं, ज्यादा नहीं बताऊं, जैसे मेरा अरोड़ा के नाम से है, एकदम कहते हैं भैया वो अरोड़ा वाले भी चल रहे हैं, नाम जो जबान पे बैठ जाए चाहे बिजनेस कोई सा भी है, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना ये कोई सा भी बिजनेस करो हर बिजनेस में लागू होती है, ऐसे नहीं कि मैं स्टेशनरी के बिजनेस में बता रहा हूँ। अब नाम दुकान का, जैसे अगर स्टेशनरी की शॉप है तो उसमें ज्ञान स्टेशनरी, नॉलेज स्टेशनरी, और एक आध और नाम मैं देखा था मैजिक स्टेशनरी। अब लोग नाम ना एक जबान पे बैठना चाहिए, हम लोग लंबा चौड़ा सा नाम रखते हैं कुछ भी, या ओम स्टेशनरी कर लो या कुछ भी, यूनिक नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से, यूनिक नाम, जैसे ज्ञान और वो नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया स्टेशनरी पे कि ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज हो गया कि नॉलेज मिल रही है स्टेशनरी की, मैजिक होगा कि स्टेशनरी में कुछ मैजिक है, तो स्टेशनरी से मिलता जुलता ही नाम रखो वो ज़्यादा बेटर है। कि मेरा अरोड़ा, मैं शुरू से मेरा मोबाइल का काम था तो अरोड़ा चलता रहा, उससे पहले कोई काम था अरोड़ा चलता रहा तो मैंने अरोड़ा रखा है। तो मेरा मानना है कि नाम एक यूनिक का रखो, आजकल यूनिक नाम के, आजकल बच्चों के नाम बड़ा यूनिक ढूंढ रहे हैं लोग, पहले विक्की टिक्की चलते थे मन्नू तन्नू थे, अब आपको तो एक यूनिक से नाम चल रहे हैं कुछ वेदांश सेवांश रेदांश ऐसे चल रहे हैं, तो हमारे बिजनेस का नाम भी ना हमेशा यूनिक होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए, जो दुकान पे ना मतलब बंदा बैठे जैसे हाँ भैया उसकी दुकान पे चल रहे हैं, फला एकदम जवान से निकले कि उसकी दुकान पे चल रहे हैं, वो ज्ञान वाले की दुकान पे चल रहे हैं, वो नॉलेज वाले की दुकान पे चल रहे हैं, वो फला की दुकान पे चल रहे हैं, ऐसा आपके दुकान का यूनिक नाम होना चाहिए, वो बहुत बेस्ट रहेगा। नाम दुकान पे बैठते ना वो बहुत अच्छा फील आता है, फिर एकदम बैठते हैं हाँ यार उस पे चलना है फला पे। तो दोस्तों ये जो मेन पॉइंट है आपको बता रहा हूँ, और दोस्तों इसे दो पॉइंट और है कि ये भी मेन है, जो पॉइंट बता रहा हूँ मेन है, ये मैं भी करता हूँ फॉलो, तो आपको भी इसे बता रहा हूँ, मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं भी फॉलो उन पॉइंटों को करता हूँ। अपनी दुकान के बाहर स्टार्टिंग से सामान लगाना जरूर शुरू करें। अब कई दुकानदार क्या है, जो मैंने भी दुकान देखी आपको बताया बंद हुई, उसने अंदर तो सामान रखा था बाहर कुछ नहीं रखा था, बाहर एक रुपये का सामान नहीं रखा था उसने। अरे भाई नहीं फायदा होता, आप मार्केट में जाओगे ना बाहर बूथ खड़े होते हैं, वो ड्रेसें डाल के रखते हैं, मान लो लेडीज कोई सामान बेचता है तो लेडीज की ड्रेस टांग के रखता है, कोई जेंट्स का बेच रहा है तो जेंट्स का सामान टांग के रख रहा है, कोई सिर्फ लोअर टी शर्ट बांध वो करता है तो लोअर टी शर्ट बाहर टांगता है, कोई छाते का काम करे छाते टांगेगा। अरे हमें पता तो तभी लगेगा भाई जब हम सामान बाहर देखेंगे, हम दुकान के अंदर कस्टमर बाद में घुसता है, पहले वो बाहर से देखता है कि क्या चीज़ बेच रहा है। अब मेरी दुकान है उसमें स्कूल बैग भी टंग रहे हैं, उसमें मोबाइल का सामान भी बाहर टंग रहा है, उसमें छाते भी टंग रहे हैं, फ्रंट पे पेनों के डिब्बे पड़े हैं, चश्मे भी लगे हैं, मतलब मैंने अपनी सेटिंग इस तरह से घुमा रखी है, किटें भी लग रही हैं जो किट हम बेचते हैं, और टॉयज भी लग रहे हैं, मतलब इस तरह से सेटिंग कर रखी है, मेरे सबको पता लगता है स्टेशनरी की दुकान है, और ये गिफ्ट आइटम की भी दुकान है, ये मोबाइल की भी दुकान है, छाते वगैरह, मतलब अपने सामान को इस तरीके से सेट कर रखा है कि ये लगती है कि यहाँ पे हर सामान मिलेगा, तो कस्टमर मेरे पे इसलिए बहुत आता है इस चीज़ का, हर चीज़ का स्टेशनरी का भी हर चीज़ का, ऐसा नहीं कि मैंने गिफ्ट टांग दिए, मैंने बैग टांग दिए, छाते टांग दिए, स्टेशनरी का नहीं है का, स्टेशनरी के लिए अपने काउंटर पे पेन के डिब्बे रखे हैं तो दूर से पता लगता है स्टेशनरी भी घूमती है। तो हमें अगर जो दिखेगा नहीं भाई वो बिकेगा नहीं, और अगर नहीं दिखाओगे तो खाली बैठ जाओगे। तो भैया यही कहता हूँ आपको कि बाहर सामान जरूर लगाओ, आप जब भी मार्केट, अब आपके पास नई दुकान खोल रहे हो तो ज्ञात ही बात है नया सामान होगा, तो नया सामान जितने लोगों तक भैया फटाफट स्कूल बैग दे दे या कोई पुरानी चीज़ देख लो जो टांगने के लिए है, कुछ भी आपको अपने हिसाब से वो चीज़ करनी है, जिस भी आपको जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन बाहर लगानी जरूर है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, तो ये काम आपको ज़रूर करना। अब दोस्तों ये सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट सारे हैं लेकिन ये सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसा जिसकी दुकान नहीं भी चलती ना दौड़ेगी, कस्टमर ढूंढता ढूंढता आएगा कि उसकी दुकान कहाँ पे है भाई, वहाँ पे जाना है हमने, मैं भी हूँ, मैं भी बैठा हूँ, मेरी दुकान 12 बजे खुलती है, स्टेशनरी की कौन सी ऐसी दुकान है जो 12 बजे खुलती है, मेरी खुलती है 12:30 बजे, बताओ दोपहर को, रात को जाता हूँ मैं 10:30 11 बज जाते हैं, एक अकेली लोग की दुकान है, सबसे लास्ट तक बैठता हूँ, सबसे लास्ट तक।
कोई तो वजह होगी, कोई तो पॉइंट होगा। मैं अपने सामान को कवर करता हूँ, कस्टमर को कवर करता हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना। अब हम क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे मेन पॉइंट, जब भी हम जिस सीजन में दुकान खोल रहे हैं, जिस सीजन में भी, सीजन का मतलब अगर राखी के टाइम पे खोल रहे हैं तो हमें राखी जरूर लगानी है। राखी का या तो कुछ भी सामान जैसे हम बेचते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का चलेगा, तो राखी थोड़ी बहुत लगा लो, कमाई होती है। देखो नुकसान कुछ नहीं होता, माल भी बचता है, पैसे भी बचते हैं। आप जन्माष्टमी, जन्माष्टमी लगाओ, वैसे तो सारे सीजन लगाओ। अब बारिश शुरू हो गई, आप बोलता अब सीजन कोई नहीं, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो छाते लगा लो। देखो कस्टमर कोई चीज़ ढूंढता आएगा, और वो जब चीज़ देखेगा वो कहता है यार ये सामान भी आपकी दुकान पर मिलता है, तो वो और आपकी दुकान फेमस होगी। कस्टमर एक ही जगह दो चीज़ लेके जाएगा। अब यहाँ पे मान लो मैं छाते ना रखूँ, तो कस्टमर छाते ढूंढता हुआ किसी और दुकान पर जाएगा जो आपकी दुकान है। देखो पैसा हमारा जो लगा हुआ है, अगर हम सीजन के हिसाब से लगाएंगे तो वो कभी हमें लॉस नहीं देगा, वो हमें कमा के देके जाएगा या पूरे करके देके जाएगा, वो कभी हमें उसमें लॉस नहीं होगा। तो सीजन के हिसाब से ना, जो भी सीजन आपको लगता है, अब सर्दी का सीजन है और आपने दुकान खोली है स्टेशनरी की, देखो आप जुराबे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, स्टेशनरी वाले सॉक्स भी रखते हैं। अब सुबह तुम दुकान खोल लेके बच्चा है, आम आदमी भी आता है भैया सॉक्स चाहिए, सॉक्स मिल जाएगी। आप बेल्टें भी रख सकते हो, बेल्टें बहुत जरूरी, हैंकी रख सकते हो, ये चीज़ें चलती हैं भैया स्टेशनरी में। मैं नहीं रखता, मैं आपको दिखा दूँ, मैं नहीं रखता, मैंने बेल्टें लानी है, मैं सॉक्स वगैरह नहीं रखता, मैं पहले मेरा इतना सामान भरा पड़ा है, मैं इसमें झेल नहीं पाता। तो ये शुरू में भी आप रख दोगे ना, सॉक्स हो गए, रुमाल हो गए, ये भी अच्छे खासे बिकते हैं स्टेशनरी में, बहुत बड़े। स्टेशनरी एक ऐसा बिजनेस है ना, इसके साथ आप कई चीज़ें ऐड कर सकते हो, कई चीज़ें स्टेशनरी का आप परचून के साथ भी ऐड कर सकते हो। स्टेशनरी मेन स्टेशनरी ऐसा है, परचून में तो आप ज़्यादा राखियाँ लगा सकते हैं, आपको दिवाली के गिफ्ट ज़्यादा लगा सकते हैं, या गिफ्ट आइटम नहीं बेच सकते, आजकल गिफ्ट का बड़ा क्रेज चलता है। तो आप स्टेशनरी के साथ, ये ऐसी एक शॉप होती है स्टेशनरी की, आप कुछ भी ऐड कर दो सब चलता है। मैंने देखो कितनी आइटमें ऐड कर रखी है, मेरे पास बतेरी आइटमें, बतेरी भर रखा है मैंने, तो बतेरी चीज़ें जो आपको अलग अलग पता लगेंगी। बाकी आपका भाई आपके साथ बैठा ही है हर नॉलेज देने के लिए, और ये वो नॉलेज है जो मैं अपने ऊपर आजमा चुका हूँ। ओपनिंग के लिए भी मैंने आपको बताया, मैंने ऐसे ही ओपनिंग करी, लड्डू के डिब्बे बनाए, हर दुकान पे दे दिए, भैया दुकान खोली है मैंने और आज ही ओपनिंग करी है। तो दोस्तों वो मतलब दोस्तों तो सर आइएगा जरूर आप एक बार दुकान पे, वो आएंगे भी यानी उन्हें पता लग गया कि फला चीज़ की दुकान खोली है, तो नॉलेज में होना चाहिए। अब नॉलेज में आप, कई लोग दुकान खोल लेते हैं, वो एक लड्डू का डिब्बा निकलाते, दुकान खोली बंद कर दी, कई दुकानें आती हैं मैंने देखी, उन्होंने खोली बंद कर दी, ये नहीं पता लगता दुकान कब खुली और कब उनके ताले भी लग गए दुकान पे। ऐसी मेरे आके चार पांच दुकानें खोली है मेरे एरिए में, लेकिन जब उन्होंने किसी को बताया ही नहीं, मुँह मीठा नहीं कराया, बात ये नहीं होती कि हमने मुँह मीठा कराना है, बात ये होती है कि हमने आगे इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी दुकान खुली है इस चीज़ की। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जो हमें करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री राम।